दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल से जुड़ने के लिए आपको नीचे दी गई रेड कलर की सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करना है। उसके बाद नोटिफिकेशन बेल बन करके आएगी, उस पर आपको क्लिक करना है। फिर उसके बाद तीन ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर आएंगे, सबसे ऊपर का ऑप्शन जो ऑल है उस पर आपको दबा लेना। दोस्तों ऑल इंडिया आंगनबाड़ी न्यूज चैनल की आज दोपहर की सच्ची खबरों में आप सबका स्वागत है। कई बड़ी खबरें मैंने छांट छांट करके आज लगाई है आप लोगों को, हर खबर महत्वपूर्ण मैं लेकर के आया हूं, तो पूरा वीडियो देख करके ही आप लोग जाना। सबसे पहले सबसे बड़ी खबर आप लोग देख रहे हो, वीडियो को फटाफट लाइक कर दो और चैनल को भाई आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लो, यानी सब्सक्राइब कर लोगे तो हर सच्ची खबर आपके पास पहुंच जाएगी, आप चैनल से भी जुड़ जाओगे। तो सब्सक्राइब करके बेल दबाना बहुत ही जरूरी है, जिन्होंने नहीं किया है तो वो लोग जरूर कर ले। सीएम ऑफिस यूपी गवर्नमेंट से ये आदेश आप देख रहे हो, मुख्यमंत्री जी ने कह दिया है साफ शब्दों में, उत्तर प्रदेश की आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के लिए बढ़िया जानकारी है। कहा है कि डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से जो मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए टीम गठित की गई है उसको जो है मास्क, ग्लव्स तथा सैनिटाइजर, ये चीजें, ये उपकरण अनिवार्य रूप से जो है उपलब्ध कराए जाए, ऐसा आदेश दिया है, ट्वीट भी कर दिया है। और फिर भी यदि आपके वहां आपके विभाग के अधिकारी आपको मास्क, ग्लव्स, सैनिटाइजर आपको फ्री में मुहैया नहीं करा रहे तो आप लोग ड्यूटी से साफ मना कर सकते हो, यह आपका अपना फैसला होगा। मेरा काम है आपको सच्चाई दिखाना कि क्या क्या सच चल रहा है, बाकी आपकी मर्जी, आप शोषण करवाते हो तो फिर करवाते रहिए। साथ ही हमारा एक और सुझाव कई वीडियो में मिला है, आज भी मैं दे रहा हूं, उसके बाद मैं सीधा अन्य खबरों पर बढ़ जाऊंगा। मानदेय से जैसी जुड़ी जो खबरें हैं, मानदेय भुगतान को लेकर के जो कुछ बातें हैं, जो बदलाव है, वो मैं सब कुछ दिखाऊंगा। तो ये एक बात याद कर लीजिए, ड्यूटी लेटर होना जरूरी है। गैर विभागीय जैसे स्वास्थ्य विभाग ने आपको लगा दिया काम में, आप मना तो नहीं कर सकती हो, ये यहां पर क्योंकि मेडिकल इमरजेंसी है तो आपको काम तो करना ही होगा, लेकिन आप अपनी सुरक्षा के लिए मांग जरूर कर सकती हो और साथ ही साथ अपना ड्यूटी लेटर भी ले सकती हो, क्योंकि 50 लाख का बीमा क्लेम आपको तभी मिलेगा जब आपके पास ड्यूटी लेटर होगा, यानी आपकी ड्यूटी इन कामों में लगाई गई है और कल को आप संक्रमित हो जाते हो, डेथ हो जाती है, तो आप साबित कर पाओ कि आप ड्यूटी के दौरान थी और आप संक्रमित हुई थी। इसीलिए मैं कह रहा हूं गैर विभागों के काम यदि आप पर सौंपे जाए तो आप जो है स्वास्थ्य विभाग वालों से कहिए कि हमारे बाल विकास विभाग के लोग जब हमें आदेश में लिखित में कहेंगे इन कामों में आपको हम लगा रहे हैं और ड्यूटी लेटर आएगा तभी हम ड्यूटी करेंगे, बाकी आप पर मर्जी, आप जानो आपका काम बहनो, हमारा काम है आपका साथ देना, आपकी सच की राह पर चल करके सब बताना। आगे चलते हैं, आपको बता दें एक और बहुत ही बड़ी खबर ये आ रही उत्तर प्रदेश से, इसके बाद कई सारे लेटर हैं, बहुत सारी जानकारियां, हर एक जानकारी छट्टा मैंने लगाई है छांट छांट करके, बढ़िया वीडियो। आईसीडीएस में प्रमोशन और वेतन निर्धारण में खेल पर लगाम लगाने की तैयारी की जा रही उत्तर प्रदेश में, तो सभी कर्मियों का सेवा विवरण ऑनलाइन मानव संपदा पोर्टल पर अब किया जाएगा, वहीं से वेतन का भुगतान होगा। तो अभी आप देख रहे हो निदेशालय से पीएफएमएस के जरिए भुगतान हो रहा था, लेकिन अब बताया जा रहा है मानव संपदा पोर्टल पर आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों का पेमेंट वहां से आएगा। आप देखते हैं इसके बारे में कुछ जानकारी और निकल के आती है। बाल विकास सेवा एवं पुष्टाहार विभाग आईसीडीएस निदेशालय में तैनात कर्मिकों को अनियमित तरीके से प्रमोशन और वेतन वृद्धि देने का खेल खत्म करने की कवायद शुरू कर दी गई है। इसके तहत जहां सभी कर्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन कर दिया गया है, वहीं कर्मिकों को वेतन आदि का भुगतान भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से करने का फैसला किया गया है। इस व्यवस्था को सितंबर से लागू कर दिया जाएगा, याद कर लीजिए, अगस्त के बाद सितंबर से लागू हो जाएगा, ऐसा अखबारों में भी आ रहा है। आईसीडीएस निदेशालय में पिछले 4 से 5 वर्ष के दौरान भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के कई मामले सामने देखने को मिल चुके हैं। यहां काम करने वाले चाहे डीपीओ हो, चाहे सीडीपीओ हो, चाहे प्रशासनिक अधिकारी हो, साथ ही अपर सांख्यिकी अधिकारी हो, चाहे लिपिक संवर्ग हो या फिर मुख्य सेविका यानी कि सुपरवाइजर ही क्यों ना हो, इनके सेवा विवरण में गड़बड़ी पाई गई है। खास तौर से निदेशालय में वर्षों से तैनात लिपिकों के काकस द्वारा कर्मिकों के सेवा विवरण में हेरा फेरी का जो है यहां पर गोरख धंधा खूब वगैरह हुआ है। इसी के मद्देनजर आपकी जो नई निदेशक है, देखिए इसे देखते हुए नई निदेशक डॉक्टर सारिका मोहन ने निदेशालय से संबंधित सभी श्रेणियों के कर्मिकों का सेवा विवरण ऑनलाइन करने की कवायद शुरू कर दी है। तो अब आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों का जो भी सेवा वाला सब कुछ सिस्टम होगा विवरण, वो सब ऑनलाइन कर दिया जाएगा, मानव संपदा पोर्टल के जरिए आपका मानदेय का भुगतान होगा। आगे देख लीजिए, पहले चरण में सभी कर्मिकों का सेवा विवरण मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश दिया गया है। दूसरे चरण में निदेशालय के अधीन काम करने वाले नियमित व संविदा कर्मिकों की वेतन का भुगतान भी मानव संपदा पोर्टल के माध्यम से ही करने के निर्देश दिए गए। साथ ही उन्होंने सभी जिलों के डीपीओ को भेजे दिशा निर्देशों में कहा है कि हर हाल में 14 अगस्त तक सभी कर्मिकों का सैलरी कोड जनरेट करके मानव संपदा पोर्टल पर अपलोड कर दिया जाए।
और माना जा रहा है कि इस व्यवस्था से लागू होने पर जो है सेवा एवं वेतन वृद्धि से जो है संबंधित शिकायतें खत्म हो जाएंगी। सीडीपीओ संघ जो है यहां पर लिखा है उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष ए के पांडे के निदेशक के इस कदम का स्वागत वगैरह भी उन्होंने किया। अब आपको बता दें यहां पर आगे जो भी होगा देखा जाएगा। फिलहाल के लिए मानदेय को लेकर के मैंने इंतजार किया और जब अब तो हमें यह लगता है कि रक्षाबंधन से पहले मानदेय आप लोगों का आना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि यहां पर कल आप लोगों को पता है लॉकडाउन, परसों आप लोगों जानते हो लॉकडाउन, बैंक वगैरह बताया जा रहा कि बंद रहेंगी, बहुत से लोगों का ऐसा कहना है, मैसेज आए हैं, तो अब लोगों को उम्मीदें हट गई हैं। तो अब मैंने वही कहा था ना कि समय का इंतजार करो, समय के साथ चलो, जो जानकारियां आती है उन्हें दिखाना हमारा फर्ज है, आपकी मेहनत को लेकर के आपके हक के लिए आपकी आवाज के लिए लड़ना जानकारी जुटाना हमारा फर्ज है। तो हमने वो सब प्रयास किए, निदेशालय में बजट 27 को ही आ चुका था, भेजा नहीं है उन लोगों ने, और क्यों नहीं भेजा ये वो जान सकते हैं, बाकी कब तक भेजेंगे ये उन पर ही डिपेंड करता है, क्योंकि उन्हें ही भेजना है। इंसान सिर्फ प्रयास कर सकता है मेरा जैसा और बस पता कर सकता है, बाकी आगे जो भी होगा बहनों आप लोगों को हम पूरा बताएंगे, मदद करेंगे पूरी। आगे चलते हैं और खबरों की तरफ। ये देखिए बहनों ने और लिखा है आईसीडीएस में प्रमोशन व वेतन निर्धारण के खेल पर लगाम लगाने की तैयारी, काफी न्यूज पेपरों में यह खबर छप भी चुकी है। और हमारे पास एक बहन है, आराधना बहन है कानपुर देहात से, उन्होंने लिखा भी है भैया मैं आपका वीडियो सुबह शाम दोपहर तीनों टाइम देखती हूँ और आपकी प्रत्येक बात जो सच्ची होती है, भैया मेरी तरफ से रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं, भोलेनाथ आपकी लंबी उम्र दें, आप जैसा सच्चा कर्मठ मेहनती और जो है साहसी भाई मिलने पर हम आंगनबाड़ी बहनों को गर्व है। भैया मैं एक जो है अखबार की जो है फोटो भेज रही हूँ, तो उसी को हमने आपको दिखाया भी है, ये सब कुछ सत्य है। आप लोगों का मानदेय में जो है बदलाव सबको देखने को मिलेगा, मानव संपदा पोर्टल से किया जाएगा। निदेशालय में बैठे अधिकारियों की बहुत ज्यादा जो है भ्रष्टाचारी देखने को 5 सालों में मिली है। साथ ही हमने एक पोस्ट भी डाली है, ये हमारे गोरखपुर से एक आंगनबाड़ी बहन है, मैं उनके लिए सभी यूनियनों से एक सवाल पूछना चाहता हूं। गोरखपुर में हमारी एक आंगनबाड़ी बहन है गोला से, उनकी डेथ हो गई थी, उनको अभी तक 50 लाख का बीमा कवर का क्लेम गोरखपुर के माननीय जो धुरंधर यूनियन है वहां पर हमारे उन्होंने दिला नहीं पाया है, और एक यूनियन नहीं कई सारे यूनियन और बड़े बड़े यूनियन में नेता भी हैं वो, जिनकी धाक जो है यहां पर मुख्यमंत्री कार्यालय तक भी चलती है, लेकिन फिर भी हमारी बहन को 50 लाख का बीमा कवर मिलने में बहुत देरी हो रही है। मेरा हाथ जोड़ करके विनती है हमारे उन्हीं गोरखपुर के सभी यूनियन के भाई बहनों से, आप प्रयास करिए, और यदि आपसे देरी होती या आप नहीं कर पा रहे हो तो आप बोलिए। तो यहां पर सायमा बहन है, उन्होंने कहा है कि हम जो है फिर प्रयास करें, हमें वहां के सीडीपीओ और डीपीओ का नंबर भेजें, साथ ही जो परिवार है आंगनबाड़ी बहन का उनका भी नंबर भेजें, उनसे बात करेंगे, और 7 दिन के अंदर बहन ने कहा है हम बीमा क्लेम वगैरह दिलवा देंगे। और लेकिन प्राथमिकता यही है कि पहले वहां के गोरखपुर के यूनियन के भाई बहन प्रयास करें उन बहन को बीमा क्लेम दिलाने के लिए, अगर वो नहीं दिला पाते हैं तो वो फिर बहन से कहें तो बहन हमारी आगे आकर के जो है मदद कर देंगी, ऐसा उनका कहना, क्योंकि यहां पर सच्चाई हर कोई जानता है। जिन बिंदुओं के तहत उन्नाव में आंगनबाड़ी बहन को क्लेम मिला है 50 लाख का बीमा, वो किसी को नहीं पता है कि कैसे भुगतान हुआ क्या हुआ, क्योंकि लोगों ने वाहवाहियां लूटने के लिए सभी ने अपने अपने झंडे बैनर सब कर लिए, अखबारों में कटिंग छपवा ली, मिलने चले गए कि दिलवा दिया, सब कर दिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन लिखित तौर पर कैसे क्या हुआ, किन बिंदुओं के तहत बीमा क्लेम मिला है ये कोई नहीं जानता। इसीलिए बहन का कहना है यदि गोरखपुर के नेता कुछ नहीं कर पा रहे हैं तो हमारी बहन से कहें और वो हमारी बहन उनको न्याय दिलवा सके, क्योंकि बहन को कोई टीआरपी के चक्कर में सब नहीं करना कि उनका जो वाहवाही लूटे और ये सब कुछ हो, उनको चाहिए सिर्फ बहन को मदद मिल जाए, न्याय जरूर मिले। यदि हमारी बहन ने जान गंवाई है तो गोरखपुर के हमारे यूनियन के भाई बहन उनको आगे आकर के प्रयास करें। अभी देखिए सावित्री चौधरी बहन है, उन्होंने भी आवाज लगाई है, अखबारों में उनकी फोटो वगैरह ये कटिंग वगैरह छपी है, मांगे भी आप देख सकते हो आंगनबाड़ी बहनों की, जिनमें एक मांग यहां पर सोचने वाली है जो कि 50 लाख के बीमे कवर को लेकर के, ये मांग जब बहन आपने देखा है अप्रैल में भी लेटर उत्तर प्रदेश में निकला है, उसके बाद भी लेटर निकला है, इसमें आप लोगों ने देखा आंगनबाड़ी बहन को अभी 50 लाख का बीमा कवर उन्नाव में भी मिला है, तो बीमा कवर तो सभी को मिलेगा जो भी जो है संक्रमण में अपना योगदान दे रहा है, लेकिन उसके लिए क्या चाहिए होगा, ड्यूटी लेटर चाहिए होगा विभाग का, और ड्यूटी लेटर यदि विभाग वाले जारी नहीं करते हैं तो यह गलत बात है। इसके मुद्दे को लेकर के आवाज बहनों उठाइए, 50 लाख के बीमे कवर को लेकर के सरकार से आवाज उठाना बेकार है, क्योंकि उन्होंने लेटर में सब कुछ लिख दिया है, अब जरूरत क्या है ड्यूटी लेटर की, ताकि ये बहने साबित कर पाए कि हमारी डेथ कोरोना संक्रमण से हुई है। तो फिलहाल के लिए आप लोग समझदार हो चुके होंगे, हमारा काम है आपको सच बताना, वो पसंद आए या ना आए वो मर्जी आप लोगों की। आगे चलते हैं, आपको दिखा दें ये एक और जानकारी नई शिक्षा नीति से जुड़ी हुई हमारे पास जो आ रही है वो आप लोग देखिए। स्कूली शिक्षा का बदलेगा स्वरूप, 10+2 जो ढांचा था ना पूरा वो बदल गया। इसके बारे में मैंने पहले भी वीडियो बनाए हैं लगभग कुछ माह पहले, जब नई शिक्षा नीति का पूरा प्रारूप खाका तैयार किया गया था और प्रस्ताव शासन को भेजा गया था मोहर लगवाने को लेकर के, तब मंजूरी नहीं मिली, तब सिर्फ भेजा गया था, तभी हमने वीडियो बनाए थे कि ये सब कुछ आगे आपको देखने को मिलेगा। आज आप लोगों को मंजूरी भी नई शिक्षा नीति को मिल गई है, जिसमें आंगनबाड़ी बहनों 5+3+3+4 ऐसे कुछ सब कुछ सिस्टम चलेगा। आपको बता दें 5 साल के पहले चरण
में 3 साल जो होंगे उनमें आंगनबाड़ी या फिर प्री स्कूल और 2 साल पहली व दूसरी कक्षा की पढ़ाई होगी। तो आंगनबाड़ी बहनों आप लोगों के वहां ये सब कुछ होगा, आंगनबाड़ी या प्री स्कूल। इसमें देखिए इसके बाद 3rd से 5th कक्षा, 6th से 8th कक्षा और 9th से 12th कक्षा में 3 स्तर होंगे। 3rd और 5th और 8th कक्षा में संबंधित अथॉरिटी द्वारा परीक्षाओं का आयोजन होगा। 10th और 12th का जो है बोर्ड परीक्षाएं वगैरह होती रहेंगी। आगे आपको बता दें इसमें कुछ और जानकारी, जैसे एक और अखबार में छपा है, हमारे पास बहुत भाई ने कटिंग भेजी है, इसमें लिखा है कि जिसमें 3 से 8 साल की उम्र के बच्चों की पढ़ाई कराई जाएगी आंगनबाड़ी वाले में, ये प्री प्राइमरी से जो है दूसरी कक्षा तक के लिए होंगे, यानी प्री प्राइमरी और पहला और दूसरा ये कक्षाएं इनमें चलाई जाएंगी प्री प्राइमरी में। फिलहाल इनकी पढ़ाई के लिए आंगनबाड़ी का इस्तेमाल किया जाएगा और इनके लिए जो है इन्हें विशेष रूप से तैयार भी किया जाएगा, यानी प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। मैंने सुबह बताया है जो बहनें हैं उनको 6 माह की ट्रेनिंग निर्धारित है नई शिक्षा नीति में, जो हमारे पास प्रारूप पहले आया था कुछ माह पहले, उस लेटर पूरा किताब टाइप की थी उसमें सब लिखा था पूरा डिटेल से, मैंने बताया भी था दिखाया भी था। अभी ये भी जानकारी आई है सुबह अखबारों में कि 12 जो है जो 12 से नीचे वाली जो बहनें जो पढ़ी हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग दी जाएगी। अब जो भी होगा समय का इंतजार कर लीजिए, सब आपके सामने हो जाएगा, पहले से परेशान मत होइए, जितना जो भी है उसको बस समझते जाइए, दिल में पूरा बैठा करके मत रख लेना कि जो अखबार ने दिखा दिया वही सब कुछ सच है। आगे बता दें, देख लीजिए कुछ इन्हीं चीजों को हमारे भाई ने भेजा भी है, आगे साथ ही आपको बताना चाहेंगे। एक उन्होंने ये भी प्रारूप भेजा है 7 माह से 3 वर्ष के बच्चों का पंजीकृत, ऐसे कुछ प्रारूप टाइप का जो भी वहां भरवाया जा रहा होगा, लड़के लड़कियां कितनी हैं उन सब के बारे में जानकारी इकट्ठा की जा रही है। इसमें लिखा भी है आप सभी लोग जो है उक्त सूचना को ये सब कुछ भर करके दें, व्हाट्सएप से जमा कर दें। अगला मैसेज देखिए बहुत ही बढ़िया है, मसौदा राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लेकर के आंगनबाड़ी कार्यकर्ती नीता देवी जिला यूपी से, उन्होंने ये सारी जानकारी भेजिए और जानना भी चाहती थी। साथ ही बता दें अगला मैसेज देख सकते हो, यहां पर हमारे पास जो आया है ये पिंकू सिंह बहन है उनका है, मानदेय दिलाने के एवज में जो है बख्तियारपुर पड़ता है वहां में सेविका से पैसे की मांग की गई है, यानी बकाया मानदेय होगा भुगतान हो नहीं रहा होगा। तो पटना बिहार की एक खबर है, बता दें आपको बख्तियारपुर में, तो वहां पर बहन से पैसे अधिकारी ने मांगे, पैसे नहीं देने पर CDPO ने सेविका को थप्पड़ मारा है। तो ये घटना आप देख रहे हो हमारी बहनों के साथ कितना गलत हो रहा है, ये सारी चीजें हमारे पास बहनें बेचारी भेज रही हैं। अब समस्याएं देखिए कितनी बढ़ रही है। अब ऐसे में आप सब अपने अपने ब्लॉकों पर बहनों यदि संगठित नहीं होगी, आप अधिकारियों के कहने पर इधर उधर चलोगी, तो जीवन में कभी ना तो आपका पैसा बढ़ने वाला है ना ही आपकी कभी समस्याएं सॉल्व होगी, याद कर लेना। क्योंकि अधिकारियों कि यदि आप चमचागिरी करना शुरू कर दोगे तो फिर आपका ही शोषण होगा, और ये काफी जगह हो रहा है, जहां पर अधिकारी भ्रष्ट हैं वहां पर आंगनबाड़ी को तकलीफें ही मिल रही हैं। ऐसे जहां पर देख लीजिए कहीं थप्पड़ मार रहे हैं तो कहीं क्या चल रहा है। अगला मैसेज देख सकते हो, खेल खेल में पढ़ेंगे बच्चे रोचक तरीके से खुद को तरासेंगे, ये चीज मैंने सुबह इसके बारे में आपको दिखाया भी था, ECC वगैरह का सिस्टम जो भी था। अगला यहां पर लेटर देख सकते हो, मध्य प्रदेश से है बुलंद आवाज नारी शक्ति जो योग्यता कावड़े बहन है उनके यूनियन से, मुझे लग रहा है 30 जुलाई का है, किसी बहन ने जो हमें वहां से भेजा है मुख्यमंत्री जी को मध्य प्रदेश में, ये लेटर भेजा गया है। और कार्यकर्ती एवं सहायिका को मई 2020 से वर्तमान समय तक मानदेय प्राप्त ना होने के लिए उन्होंने ये जो है लेटर भेजा है कि अभी पैसा वगैरह का उनका भुगतान जल्द से जल्द मध्य प्रदेश में कराया जाए, तो ये मुख्यमंत्री जी को लेटर भेजा है यूनियन ने। कोरोना जो है COVID-19 योद्धा में राशि वगैरह दी जाए 50 लाख का बीमा, उसके लिए मांग उठाई है, लेकिन बीमा की जो राशि थी ना वो 50 लाख की क्लेम वाली, उसका पहले ही जो है मध्य प्रदेश में आदेश निकला है, सबसे पहले राजस्थान फिर मध्य प्रदेश फिर बिहार ये आदेश निकले थे, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश, फिर धीरे धीरे कहीं और भी जगह निकले हैं काफी स्टेटों में। आगे देख सकते हो यहां पर कई जगह तो जो है बदलाव भी हो चुका, जैसे मैंने आपको दिखाया था ओडिशा में बहुत कुछ पहले 50 लाख का बीमा दे रहे थे, उसके बाद बदलाव करके क्या कह दिया कि अब जब 62 साल तक जो आंगनबाड़ी बहनें रहेंगी तो उनके परिवार को जो है 62 साल की जब तक उम्र आंगनबाड़ी की होगी तब तक उनके परिवार को 7,500 रुपए महीना के हिसाब से जो है पेंशन टाइप में बांध दी जाएगी। अगला मैसेज देख सकते हो मेरे पास जो आया है वो संचालनालय महिला बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश भोपाल से ही है। अब यहां पर आपको बता दें आप लोगों के लिए 1 से 7 अगस्त तक जो आपका विश्व स्तनपान सप्ताह मनाया जाएगा 1 से 7 अगस्त तक, तो बहनों 30 जुलाई का यह मध्य प्रदेश में लेटर है और यह हर एक राज्य में मनाया जाएगा। इसके लिए हम सीधा बढ़ रहे हैं आप लोगों को कुछ यहां पर लेटर में, तो बहुत कुछ लिखा है, आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको पढ़ सकते हो मध्य प्रदेश में क्या लेटर जा रही है। जैसे कि एक इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, उसके बाद आप चाहें तो इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद हम बढ़ते हैं आपको दिखा दें ये यहां पर इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो यहां पर यही सारी चीजें बताई जा रही हैं। इसमें जैसे लिखा है आंगनबाड़ी स्तर से सुझावात्मक गतिविधियां जो है किशोरी बालिकाओं द्वारा जो है नारों को जो है दीवारों
दीवारों पर लगाया जाएगा स्लोगन को। ऐसे ही जो गर्भवती महिलाएं हैं उनको घर घर जाकर के और जन्म के जो एक घंटे के अंदर स्तनपान कराने को लेकर के बच्चों को जागरूक किया जाएगा। ये सब हमारी बहनें आप सब खुद ही बहुत अच्छे तरीके से जानती हैं उसके बारे में। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, इसके बारे में कुछ और भी जानकारी आपको दिखा देंगे। जैसे आप देख सकते हो मेरे पास इन मैसेजों को काफी भाई बहनों ने भेजा, हरिशंकर भाई जी मध्यप्रदेश से उन्होंने भेजा और भी बहनों ने भेजा है। अब ये देखिए एक बहुत ही बढ़िया यहाँ पर तस्वीर नगर जो है नजर होके आ रही है आपकी स्क्रीन पर। एक स्वस्थ संसार के लिए स्तनपान का समर्थन करें, अमृतपान अभियान से जुड़े। ये वहां के जो है शायद बिहार से नहीं मध्यप्रदेश से ही है, मध्यप्रदेश में महिला एवं बाल विकास विभाग की तरफ से जारी है, जिसे आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और इसको अच्छे से पढ़ सकते हो। फिलहाल के लिए और भी बहनों ने मुझे भेजा है, ये देखिए, भैया जी नमस्ते, मैं सरस शुक्ला आंगनबाड़ी यहियागंज लखनऊ से। भैया आप पर भगवान भोलेनाथ की कृपा और आशीर्वाद सदैव बनी रहे। आपकी ऑल इंडिया की खबरें में सच्चाई और अच्छाई दोनों है। वैसे तो बहुत से चैनल हैं अपनी खबरें दिखाते हैं और खुद अपनी खबरें सच्ची बताकर सबको गुमराह करते हैं, लेकिन बस आपकी सच्चाई और निडर होकर सच बोलने कहने की हिम्मत रखते हैं। भैया मैं तो बहुत अच्छा लगता है और साथ ही भैया आप मेरे लड़के की उम्र के होंगे, लेकिन आपको हमारा ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद। धन्यवाद बहन। साथ ही आपको दिखा दें, उन्होंने एक पीडीएफ फाइल भी भेजी है जिसमें स्तनपान को लेकर के कुछ तस्वीरें हैं। जैसे आप इन्हें चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो और बहुत अच्छे तरीके से इनको फेसबुक या व्हाट्सएप पर शेयर भी कर सकते हो। इस पर काफी जोर दिया जाएगा, 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त तक स्तनपान दिवस मनाया जाएगा। जैसे ये कुछ और भी तस्वीरें हैं और इसमें कुछ सुझाव भी वगैरह दिए हुए हैं कैसे क्या सब कुछ करना होता है, तो इन सबको आप स्क्रीनशॉट लेकर के पढ़ भी सकते हो, क्योंकि हम पढ़ करके बताएंगे बहुत समय लग जाएगा। आगे और भी हैं, जैसे स्तनपान से लाभ मां को और लाभ, ये सब कुछ यहां पर भी देख सकते हो, इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अगला मैसेज और आप यानी कुछ ये हम बस दिखा रहे हैं, आपको स्क्रीनशॉट लेना है और पढ़ लेना अच्छे तरीके से। वृहद जागरूकता अभियान भी है जैसा कि आप ये देख सकते हो और नीचे कुछ और भी इसके बारे में सुझाव दिए हैं जैसे कि ये आप देख सकते हो और साथ ही ये देख सकते हो कोविड महामारी के दौरान जो है स्तनपान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियां इसमें भी लिखी हैं, इसका भी आप स्क्रीनशॉट बहनों ले लीजिए। साथ ही आपको हम बता दें ये भी देख लीजिए, स्तनपान करें सावधानी के साथ, संक्रमण से जो बचाव भी आप लोगों को ध्यान में रखना है, तो इन सबके बारे में समझाना है लोगों को और ये सारे चीजों को लेकर के हम बहन आप सब बहुत अच्छे तरीके से जानती होंगी। और ये भी आप इसको भी स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे भी ले सकती हो, इन सबको जो वायरल भी आप कर सकती हो लोगों को जागरूक करने के लिए। आगे ये भी आप देख सकते हो, काफी मेरे पास जानकारियां आई हैं। फिलहाल के लिए आगे चलते हैं, जैसे कि आप लोगों को और दिखा दें, लेबर रूम में ऐसे कुछ और भी लिखा है और प्रसवोत्तर वगैरह वार्ड जो होता है उसको लेकर के भी यहां पर कुछ जानकारियां और सुझाव वगैरह भी दिए हैं। साथ ही बता दें आगे चलते हैं, जैसा कि और भी मेरे पास तस्वीरें हैं, माँ कार्यक्रम चिकित्सा इकाइयों को बेबी फ्रेंडली वगैरह बनाना, जैसा कि ये भी एक थीम मेरे पास है, इसे भी आप देख सकते हो बहुत अच्छे तरीके से। और नीचे भी मेरे पास एक ये लगा हुआ है, हॉस्पिटल को बेबी फ्रेंडली बनाने के लिए सफल स्तनपान के 10 कदम जो हैं उनके बारे में ये जानकारियां लिखी हैं। पूरा ये 1, 2, 3, 4 करके 5 करके जो पॉइंट भी पढ़े आप लोग इनको भी पढ़ सकते हो अच्छे तरीके से। साथ ही आपको और बता दें, जैसे कि यहां पर ये देख लीजिए उसका अगला जो पार्ट है, यहां पर हॉस्पिटल में बेबी फ्रेंडली को लेकर के जिसमें 10 तक और लिखे हैं, 6 से लेकर के 10 तक, इनका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हो और पढ़ सकते हो। शिशु आहार संबंधी ये कानून वगैरह जो भी है उसको भी आप यहां पर अच्छे तरीके से पढ़ सकते हो। बोतल की जो है बिक्री, दरअसल इस पर रोक लगाई जाए, ऐसी जो है मांग भी उठनी चाहिए और यह बहुत ही जरूरी है। साथ ही आपको बता दें अगला जो यहां पर आप देख सकते हो थीम, उसमें यह है करेक्ट जो पोजीशन क्या होती है, ये सब आप सब बहनें जानती हो, तो इस सब के बारे में आप चाहें तो जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लोगों को जो इसके बारे में जागरूक कर सकती हो, इसको वायरल कर सकती हो। मैं फिर आपको दिखा रहा हूँ, क्योंकि ये पूरी पीडीएफ पढ़ने में बहुत समय लग जाता, इसीलिए मैंने आपको सिर्फ ये तस्वीरें दिखा दी पूरे पीडीएफ की, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है और आप लोग इनका स्क्रीनशॉट ले लेकर के पढ़ सकते हो और लोगों को जागरूक कर सकते हो। इसके बारे में हम आपको बता देंगे, इसमें जितना लिखा है इसे आप देख लीजिए। स्तनपान के फायदे क्या, जैसे शिशु के लिए सर्वोत्तम पोषक तत्व और साथ ही सर्वोच्च जो है मानसिक विकास में भी सहायक होता है और संक्रमण से सुरक्षा, दस्त जैसे कि निमोनिया, इन सब से, दमा एवं एलर्जी से भी सुरक्षा मिलती है, शिशु के जो है ठंडा होने से बचाव वगैरह और प्रौढ़ और वृद्ध होने पर जो है उम्र के साथ होने वाली बीमारियों से भी सुरक्षा मिल जाएगी। साथ ही मां के लिए भी जरूरी है, जन्म के समय जो है यहां पर जन्म के पश्चात रक्त स्राव एवं एनीमिया से बचाव मिलता है, साथ ही कारगर जो है गर्भ निरोधक वगैरह और साथ ही मोटापा कम करने एवं शरीर को सुडौल बनाने में सहायक होता है। स्तनपान एवं अंडाशय के कैंसर से भी बचाव मिलता है, साथ ही सुविधाजनक भी है, ऐसे बचाव इसमें लिखे हैं जो कि आप लोगों के लिए महत्वपूर्ण है। साथ ही कृत्रिम आहार एवं बोतल से दूध पिलाने में के जो है खतरे क्या है वो भी आप देख सकते हो, पोषक तत्वों का अभाव और सुपाच्य भी नहीं होता है, साथ ही सुपोषण एवं संक्रमण के खतरे रहते हैं, दस्त श्वास एवं जो है अन्य संक्रमण भी रहता है, बौद्धिक विकास में कमियां भी होती है, बचपन में मृत्यु वगैरह भी संभावनाएं बढ़ जाती है। तो ऐसे में ये जानकारियां थी जो हमारे समाज को दिखानी है आप लोगों को स्क्रीनशॉट लेकर के। अब ये जो हमारे पास जानकारी आई थी निर्मला बहन ने भेजा, उनको बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही आपको बता दें अगला जो
मैसेज मेरे पास आया, उसमें सचकला वर्मा है, उन्होंने बहन ने भी यहाँ पर अपनी फोटो भी भेजी है, नीचे लिखा भी है, भैया आपकी तबीयत अब कैसी है, दवा टाइम से लेते रहना, लापरवाही मत करना, भैया आपसे हम सबकी उम्मीदें काफ़ी हैं, आपके साथ हम सबको जो है ऐसे ही जो है मिलता रहे और साथ जो है वो मिलता रहे, भैया आप जियो हजारों साल, और भैया रक्षाबंधन पे हम सब की तरफ से जो है आशीर्वाद, और यहाँ पर मेरे भाई को तो बहुत बहुत धन्यवाद बहन को। ये देख सकते हो यहाँ पर गोद भराई का कार्यक्रम बहन मना रही हैं और चंदौली से हैं। साथ ही आपको बता दें अगला मैसेज देख सकते हो, ये बहन ने भेजा है, उनके वहाँ से उन्होंने अपना नाम भी नहीं लिखा है और केंद्र वगैरह जिला कुछ भी नहीं लिखा, ये खिलौने जो उनको मिले होंगे उनकी तस्वीर बस बहन ने भेजी है, और खिलौने काफ़ी अच्छे लग रहे हैं, आकर्षित हैं, इनमें आप देख सकते हो, खुद ही नोटिस कर लीजिए ये खिलौने हैं, और इनके इन्हें आप देख लीजिए, हो सकता है आपके वहाँ पर भी समय से जो है देखने को मिल जाए। अगला मैसेज देख सकते हो, सुमन गुप्ता बहन है, वो हमारी मिर्जापुर से हैं और मिर्जापुर को स्थान बढ़िया मिला है, सम्मान कोविड रिस्पांस में जनपद को मिला है स्वर्ण सम्मान, तो आप देख सकते हो यहां पर बहुत ही अच्छी बात है, खुशी की बात है, तो मिर्जापुर को सम्मान वगैरह पुरस्कार भी दिया गया है। दरअसल बता दें कड़ी जो है प्रतिस्पर्धा वगैरह हुई थी, प्रथम पुरस्कार पाया है यहाँ पर, तो इसी की खुशी है, तो बहन ने हमारी जो है सुमन बहन ने भेजा जानकारी, अच्छी बात है। आगे मिलेंगे आपको आज शाम के वीडियो में, और आज फिर मैं कह रहा हूँ मेरे पास सैकड़ों खबरें लगी हैं और कई लेटर लगे, 200 लेटर लगे, मैं उनको एक एक करके आप लोगों तक पहुँचाऊंगा। धन्यवाद।